मैम ये कंपैरिजन है। अगर वो कंपेयर कर रहा होता और सीखता तो क्या वो उसका बेनिफिट देखता कि वो मुझे हेल्प कैसे कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास तो देखो कितना अच्छा कितना कॉस्टली पेन है, मुझे भी चाहिए, तो क्या हम उसका रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों चाहिए। तो मैम बस दूसरों को शो करने के लिए। एग्जैक्टली, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि तेरे पास है तो मेरे पास भी है, राइट। Yes, इस केस में वो क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि कंप्यूटर स्किल्स उसके कैसे हेल्प कर रहे हैं उसे अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस करने में। तो ये अगर मैं सीखूंगा तो मेरे लिए एक एडवांटेज है, मैं भी और अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो अभी भी वो कंपैरिजन कर रहा है या किसी से वो अपनी क्वालिटी, किसी से क्वालिटी उनकी सीख रहा है और उसे वो इम्बाइब करने की, अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मैम कंपेयरिंग कर रहा है। कंपेयरिंग करेगा बेटा तो फिर वो इम्प्रूवमेंट क्यों सोचेगा, फिर तो वो शो ऑफ सोचेगा। क्या वो शो ऑफ करना चाहता है? मैम नो मैम वो शो ऑफ नहीं करना चाहता। मैम उसे देखकर वो सीखना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है उसके तरह अपने स्किल्स, राइट। तो वो इस केस में भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। वो अपने आप को ये कंपेयर नहीं कर रहा कि मुझे शो ऑफ करना है, वो किसी की स्किल्स देख रहा है कि अच्छा ये इसमें अच्छा है, अगर मैं भी ये स्किल एक्वायर कर सकूं तो ये मुझे ऐसे हेल्प करेगी मेरे काम में, राइट, या एज इन मेरी पर्सनालिटी कार्व आउट करने में, राइट। तो वो अभी भी अपने ऊपर वर्क कर रहा है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, राइट। सो दोनों सिचुएशंस में आपने एक चीज कॉमन देखी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइट। सो इट इज गुड टू से दैट व्हाट गॉड हैज मेड अस वी शुड बी हैप्पी विद इट, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। हम अपने आप को हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प कर रहा है, ओके। हम इसलिए इम्प्रूव नहीं कर रहे क्योंकि हमें किसी को शो ऑफ करना है या किसी को नीचा दिखाना है, क्योंकि अगर हमें किसी को नीचा दिखाना है या शो ऑफ करना है तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। डू वी ऑल एग्री मैम? यस मैम। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Anand, please check your connection because my network connection is going fine right now. Just check your network connection. Okay. So definitely just a second, I'll have to move myself. लाइफ में ऐसी बहुत चीजें आएंगी जो हमारे पास नहीं होंगी पर दूसरे के पास होंगी। यस डेफिनेटली विहान, लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो औरों के पास होंगी और हमारे पास नहीं, and it leads to bit of anger in us, bit of jealousy, bit of irritation at times. I totally agree. हम सबके साथ होता है. But then, one thing then we need to understand, be yourself. You should be happy with yourself. And secondly, if you intend to improve, अगर आपकी इंटेंशन है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो। मम्मी Dhruv, your mama is not here, baby. Please mute yourself. Okay. So do we all understand this? हमें समझ आया सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, अपने ऊपर वर्क करना ताकि हम अपना बेटर वर्जन बन सके, राइट। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कोई स्किल हमें लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है, वो हमें दूसरों से देख के भी पता चल सकती है, या फिर वो जब हम अपना आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स से अगर आप में से किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, स्पेशली इन सम फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो आप उसकी स्किल लर्न करोगे। किसी को डांस पसंद है तो कोई डांस फॉर्म जैसे कि सालसा पसंद है तो आप सालसा की प्रैक्टिस करोगे, वो स्किल सीखोगे, तो वो आप अपने लिए सीखोगे, ओके। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ वंडरफुल आइडिया कि ठीक है ऐसे हम हैं बट मुझे इसका बेटर वर्जन बनना है, अपने पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करना है, इसलिए मुझे कुछ सीखना है, या मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है मुझे इसलिए ये चीज सीखनी है। तो जो आपका वाई होता है ना कि आपको क्यों करना है, वो बहुत क्लियर होता है और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, आपको बेनिफिट कर रहा है इम्प्रूव करने में, राइट। नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक, टेक 2 मिनट्स एंड थिंक कि आपके आसपास बहुत लोग होंगे जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो. यस और नो, राइट? सो थिंक आपका कोई क्लासमेट हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपकी मैम हो, कोई फैमिली मेंबर हो, पेरेंट्स हो, उनकी क्या क्वालिटी आप लेना चाहोगे या इम्बाइब करना चाहोगे अपने लिए, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन सको. और सो थिंक फॉर अ व्हाइल एंड गेट बैक टू मी. सो रेज योर हैंड व्हेन यू आर रेडी विद योर आंसर. सोचो क्या क्वालिटीज हैं जो आप किसी से इम्बाइब कर सकते हो. ओके, प्रांशी. My mother and father very hard working. Okay, so you want to acquire the quality of your mom and dad as yes, they are hard working. Amazing. Yes, ma'am. Manchika. Ma'am, because of my ma'am, I will take my mom. Ma'am, she is very caring. Okay, so your mom, because she is very caring. That's amazing. Anand. Ma'am, I will take my grandmother always speaks good. Your grandmother always speaks good. That's what you. Ma'am, speaks truth. Okay, because she's all right. That's nice. And then Samriddhi. I want to take the English speaking skills from my parents. Okay, so English skills from parents. Saksham. Okay, ma'am. Ma'am, my grandfather and my father are very hardworking and they are always traveling from one place to another, so I have to also do this. So can I say that they are very focused on their work, क्योंकि वो travel कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, so they are very focused in their life कि उन्हें क्या चाहिए. Ma'am, yes. All right. Amazing. Vihan. Ma'am, मैं अपने ट्यूशन टीचर की तरह इंग्लिश फ्रीक्वेंसी बोलना सीखना चाहूंगा. ओके, सो लाइक ट्यूशन टीचर इंग्लिश. ऑलराइट, सिद्धांत. मैम, आई इम्प्रूव माय इंग्लिश विद माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर. ओके, सो अगेन इंग्लिश विद पेरेंट्स एंड ब्रदर. ऑलराइट, ग्रेट. नियति. मैम, मैं अपनी कजन की तरह मैम एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ. Becoming a doctor is a qualification. We are looking at the skill right now. Okay, ma'am. And ma'am, हमारी मैम मदर मैम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं. मैम, हमें भी उनके जैसी इंग्लिश बोलनी है. Okay, so fluency in English. All right. So see, there is so much to learn from others. And we can always improve. That's so amazing that you all have reflected so nicely to think what you want to acquire from others. So it means कि आप अपने आप को compare नहीं कर रहे, आप अपना best version बनने की कोशिश कर रहे हैं. Right? Great. Mahi. अपनी बुआ की तरह English बोलना चाहते हैं, हम अपनी चाची की तरह स्टेनो लिखना चाहते हैं. Okay. मैं अपनी बुआ से न्यू लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं. ओके, इशिका. मैम, आई वांट टू अडॉप्ट माय मदर हॉबी. शी इज वेरी केयरिंग एंड वेरी हार्ड वर्किंग. ओके, सो केयर एंड हार्ड वर्क. ग्रेट. कृष्णा. Okay, how do you pronounce your name? Desna. Yeah, please unmute. मैम, अपनी बुआ की तरह टीचर बनना चाहते हैं. Teacher is again a profession, बेटा. The skill. क्या quality imbibe करना चाहते हो? मैम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, एंड हाउ डू यू से योर नेम? आप अपना नेम कैसे बोलते हो? मैम देशना। देशना, ओके, वेरी डिफरेंट नेम। ऑलराइट, पूर्वी। मैम हम अपने स्कूल के ड्राइंग वाले टीचर की तरह अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं। ओके, सो आर्ट स्किल्स फ्रॉम द टीचर, ग्रेट। मैम क्योंकि हमको ड्राइंग अच्छी लगती है। ऑल राइट, ग्रेट। सो सी, वी हैव आवर वाइज इन प्लेस, हमें पता है कि हम क्यों करना चाहते हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है, लोगों से तो हम अपने आसपास लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि हम एनिमल से भी कुछ सीख सकते हैं? ओके, ऑल राइट। सो हु वुड लाइक टू शेयर what you have learned? मैम जैसे एनिमल इतने अलग अलग टाइप के, कोई छोटा कोई बड़ा होके भी एक साथ रह सकते हैं, तो फिर हम ह्यूमन से एक जैसे होके भी क्यों नहीं एक साथ रह सकते? So true, great, right Vivan, the togetherness is there. Ma'am, animals live very tough life also. Very true, they live very tough life also. मैम जैसे डॉग जो है, किसी का मैम पालतू होता है तो मैम उसकी वो केयर करता है मैम, लेकिन हम आपस में फ्रेंड्स होके भी लड़ाई करते हैं। राइट, डेफिनेटली डॉग्स डू केयर फॉर पीपल। यस मैम, और मैम हम बॉडीगार्ड्स का इतना मजाक उड़ाते हैं, और मैम हम काट का इतना मजाक उड़ाते हैं, और मैम डॉग भी तो हमारे घर की रक्षा ही करते हैं। Very true. Excuse me, ma'am. मैम लाइक मैम हैन हमें एग देती है, सो मैम बहुत सारे लोग हैन का चिकन बना के खाते हैं, बट मैम वो हमें एग दे रही है, सो मैम वो भी तो हम उसे क्यों मारते हैं? देन that's the food chain, that's how the nature मैम is. जैसे because हम सिर्फ ये डॉग हमारी just a second please ध्यान, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने एनिमल्स को खाया, बट इफ यू लुक एट द फूड चेन, व्हाट डज लायन ईट, व्हाट डज टाइगर ईट, है ना? दीज आर ऑल व्हाट, प्योरली कार्निवोर्स, दे आर नॉट ओमनिवोर्स लाइक अस, दे आर प्योरली कार्निवोर्स। वो लोग भी तो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं ना, दे आर ऑल्सो किलिंग द एनिमल फॉर दैट पर्पज। राइट, सो दैट्स हाउ आवर फूड चेन बेसिकली वर्क्स, क्योंकि गॉड ने इसे ऐसे इसलिए क्रिएट किया कि अगर कोई एनिमल प्लांट नहीं खाता होता तो प्लांट की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती। एक छोटा सा फूड चेन आप देखो, आपने प्लांट देखा, आपने डियर देखा और टाइगर देखा। राइट, अब अगर डियर प्लांट नहीं खाएगा तो प्लांट्स तो बढ़ते जा रहे हैं। राइट, सिमिलरली अगर टाइगर डियर को नहीं खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि वो प्लांट्स को खाते जा रहे हैं, कि प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। So that's a nature's check, how nature has kept the check. Okay, so that's the food chain and the food web. But yes, over exploitation या फिर जैसे हम आज के टाइम में जैसे हम मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एनिमल्स को हर्ट कर कर जो हम एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं, that's wrong. Right? Yeah. Okay. जैसे डॉग भी हमारे घर की रक्षा करते हैं, ज़ू में लाते हैं मैम, इट इज आल्सो रॉन्ग। एक्सक्यूज मी मैम, ज़ू इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज़ ज़ूज़ एंड नेशनल पार्क्स वर बेसिकली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। मैम हमारे डाउट है बिकॉज़ दे आर हंटेड बाय द मैम हंटर्स। राइट, बिकॉज़ दे आर बीइंग। मैम जो कैट होती है सब उसको यही कहते हैं कि अगर कैट रास्ता काट देती है तो कुछ बुरा होता है। Nothing happens. I've experienced it many a times. So it's all just. And ma'am, cat भी तो अंदर भी तो जान होती है मैम, वो भी तो जीव जंतु होता है। Exactly. It's okay. Even in humans, हम humans को भी ऐसे बोलते हैं कि या इसको देख लिया ना मैंने, अब मेरा काम गलत ही होगा। Even that's the intention of the people. मैम तो सोच सोच के और गलत होता है। Right. So this is all nonsense stuff that's coming. Nothing happens. जैसे डॉग भी हमारे घर की सुरक्षा करते हैं वो, पर तब भी ह्यूमंस दिवाली पे उनके पास क्रैकर्स फोड़ देते हैं या होली पे उन्हें कलर से भर देते हैं, जो कि सब वो बहुत डरते हैं या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैम उनकी काम खराब हो जाती है, मैम हार्म हो सकता है, वो ना कुछ कर सकते स्किन, मैम उनकी कलर से मैम स्किन खराब हो जाती है, खराब करते रहते हैं उन्हें। बिकॉज़ वी एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, रीजन इज wait. Let's discuss this point first. It's a good point that has come up. Yeah, there are many people who do this, who disturb animals unnecessarily, which is not needed. But if you see how nature is working, जो strong है वो weak को दबाता है ना? ऐसे आप भी experience करते होंगे कि जो आपके आसपास big भैया दीदी हैं, right? वो आपसे rudely बात करेंगे या वो आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। That is how things are working. But we need to understand कि अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें पहले रिस्पेक्ट देनी भी तो आनी चाहिए ना, राइट? So of course what we do as humans, we do lot many things which are totally wrong, which should not be done actually. So I totally agree with this point because animals की भी तो अपनी लाइफ है ना, ठीक है? वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते उन्हें कैसे लग रहा है। अब मैं आपको हल्का सा पिंच करूं, आप कोई साउंड तो निकालोगे ना, आप बोलोगे तो सही, वो तो बोल भी नहीं सकते। सो क्या हम इतने सेंसिटिव हैं कि हम समझ सके? वी आर नॉट, क्योंकि जो सेंसिटिव होंगे वो परेशान ही नहीं करेंगे ना, राइट? मैम हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसे लगता है, फिर हम करेंगे ही नहीं। And when I was going to my nanny's house, I saw two dogs are died on the road, and they was hit by a car. Yes, that also happens a lot. Even I have seen it once. And ma'am, ek bike wale the ma'am. Okay, let's come back. We're digressing from the topic. We are not talking about humans' ill behavior towards animals. We are talking about qualities we learn from animals. Okay, I'll share out a story here with you. We all know eagle. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको पता है eagle जो है वो 70 years तक जी सकती है, but जब वो 40 years की हो जाती है ना, तब वो old हो जाती है actually. अब उसके पास करती है अपनी, उसके पास 2 choices होती हैं. First choice कि वो मर जाए because it's going old, so naturally it will die one day, right? The second choice is कि एक painful process है change का, जिसे वो undergo करे and comes out as a new. अब वो change का process क्या है? अपने उसके क्या old होता है? उसके talons, उसके nails होते हैं, उसका beak, उसका feather, right? तो talons क्या है? वो काम नहीं करे, because अगर आपको flesh को पकड़ना है, tear करना है, तो आप अपने nails ही use करोगे ना as an animal. तो वो टेलेंट्स वर्क नहीं कर रहे, बीक अगेन फॉर किलिंग नहीं वर्क कर रही, फेदर्स एज होने की वजह से पास आने लग जाते हैं, तो वो फ्लाइट में उनको दिक्कत करता है बिकॉज उनका बॉडी का वेट उस तरह से बढ़ने लग जाता है, तो वो उड़ भी नहीं पाते, तो वो हंट करने कैसे जाएगी? तो चेंज प्रोसेस में उसे क्या करना होता है? उसे अकेले जाकर माउंटेन के टॉप पर रहना होता है, एंड वॉट इट डज इज, उसके बाद वो अपनी बीक को एक रॉक पर बहुत जोर से मारती है, ताकि वो टूट जाए। Now imagine, आपका नेल अपने आप टूटता है तो आपको पेन हो रही है और वो अपना खुद तोड़ रही है, तो सोचो कितना पेनफुल प्रोसेस होगा, राइट? एंड वाई इट डस, ताकि न्यू बीक आए। सिमिलरली उसके जो टेलेंट्स हैं, नेल्स हैं, जब बीक आ जाती है न्यू, तब वो अपने नेल्स को तोड़ती है ऐसे, ऑल द नेल्स, एंड देन द न्यू टेलेंट्स कम आउट। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी से जितने भी ओल्ड हेयर हैं उन्हें प्लक आउट करती है। हमारा कोई हल्का सा हेयर ऐसे पुल करता है, हमें दर्द होता है ना, सोचो उसको पूरा निकालना है, फिर कितना पेनफुल प्रोसेस है। बट उसको ये पता है कि अगर मैं इस पेनफुल प्रोसेस से गो थ्रू करूंगी, आई विल बिकम यंग अगेन एंड आई कैन लिव फॉर अनदर 30 years, आई कैन हंट द सेम वे, राइट? So, इस चीज से आप क्या सीखोगे? मैंने भी सुन रखा है, ऐसा होता है। मैंने भी। तो क्या सीखोगे आप? मैंने भी। मैम जैसे मैम एनिमल्स मैम हार्ड वर्क कर रहे हैं मैम, तो मैम हमें मैम थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए मैम अपने एग्जाम, या फिर हम इसको मैम जैसे मैम वो हार्ड वर्क करे अपने को बदलने के लिए, वैसे हम भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे अपने बदलने को लिए, तो हमारा कुछ। सो इफ यू सी चेंज इज परमानेंट, ओके, तो अगर हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो हमें डेफिनेटली अपने आप को बदलना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि हमारे लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस हो, पेनफुल सिचुएशंस हो, हमें वो भी फेस करने हैं, राइट? बिकॉज इफ यू सी वो फेस कर रही है ना, यस और नो? यस मैम। सिमिलरली इफ यू लुक एट एंड्स, कभी आपने एंट्स को देखा? वो खुद तो छोटी सी होती है एकदम, हाँ, जो खाना लेके जा रही होती है, जो चावल का दाना भी ले जाती है, वो बार बार छूटता रहता है, उनकी आईज नहीं होती, फिर भी मैम वो फ्रॉड भी पकड़ लेती है। मैम फ्रॉड उनकी आईज होती है, अंशिका, दे हैव आईज, देयर आईज आर कंपाउंड आईज, दे हैव आईज। मैम पर मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर ने तो बताया था कि उनकी आईज नहीं होती, वो महसूस करती है मैम। नहीं, वो हमारी जैसी आईज नहीं होती उनकी, दे हैव अ लिटिल डिफरेंट आईज बट दे डू हैव आईज। ओके मैम, आई लर्न वन थिंग फ्रॉम, ओके या, सो इफ यू लुक फॉर एंड्स, तो जैसे आपने कहा कि वो चावल का दाना भी उठा के लेके जा रहे हैं, तो इट मींस कि वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और उन्हें पता है उनसे ये काम नहीं हो पा रहा, तब भी दे डोंट गिव अप। दे आल्सो पिक अप अ क्यूब ऑफ शुगर, राइट? दे कैन आल्सो पिक अ शुगर क्यूब। और अगर अकेले नहीं कर पाते तो क्या, हैव यू एवर सीन कि 2, 3 या 4, 5 एंड्स कभी-कभी एक साथ लेके जा रही होती है? यस मैम, वो ग्रुप में आता है मैम, जो बड़ी चीज होती है और मैम उसको ऐसे उठा के लेके जाते हैं। मैम मुझे एक साथ 20 many people, I'm sorry, let's first go to this point now. तो जब वो एक साथ लेके जा रही है, तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? अगर वे एक साथ ऐसे काम कर सके तो कर सकते हैं। Raise your hand, I'll be more happy to see that. Then I know who's talking. Arijit, I'm sorry, raising hand will not take more time, but this will take more time. Yeah. So raise your hand if you want to answer. Okay, Vanshika. Ma'am, we learned the togetherness, and ma'am, like ये वो कितने एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, and ma'am without any fighting. Right. Okay, Suryansh. Suryansh, please unmute. Lakshay, you got to raise your hand. Please don't unmute like that. Suryansh, आपने hand raise किया बेटा, unmute. Okay, Anshika. Ma'am, yes. You were raising your hand, no? Anshika, बताइए. Ma'am, yes. बेटा, you were raising your hand, so why you? Yes, you have to answer. So answer. मैम जब एक साथ जाते हैं तो मैम हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम उन्हें देखने में, हम देखने की बातें नहीं कर रहे हैं अभी, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है आप क्या सीख रहे हो। हाथ ना हिलाया, मैम ये सीख रहे हैं कि मैम मिलजुल रहना चाहिए और मैम सब काम मिलके करना चाहिए, यस, एकता से रहना चाहिए। Right, so we should be living together and काम मिलके करना चाहिए। So can I say I'm learning teamwork here? कि teamwork में कोई मैं बड़ा या कोई और छोटा नहीं है, हम सब मिलकर एक जैसे हैं और एक काम कर रहे हैं, right? So definitely we are talking about teamwork here. सक्षम, हार्ड वर्क हम हर जगह नाम नहीं ले सकते, बिकॉज हमें सिचुएशन समझना है। मैं एक एंट की बात कर रही हूँ तो पहले हार्ड वर्क आ रहा है, जब मैं ज्यादा एंट्स की बात कर रही हूँ तो मैं टीम वर्क पर वहां एम्फेसाइज कर रही हूँ। Okay, so listen to the situation before you answer, dear. Okay, now I'll share another incident with you of the eagle only. अब eagle जब अपने baby को चाहती है, eaglet को चाहती है ना कि वो fly करना सीखे, what it does is वो अपने baby को nest से नीचे फेंक देती है, okay? अब वो नीचे फेंकेगी तो ये भी हो सकता है ना कि ईगलेट जाकर किसी रॉक को हिट कर दे, क्योंकि उसे तो उड़ना नहीं आता या उसके चोट लग जाए। फ्लाइंग करना सीखेगा मैम। अनिका वन सेकेंड अनिका, प्लीज वेट। ओके लेट मी वेट यू फर्स्ट। या सो एज अ मदर उसे दुख है, उसे पता है कि जो मैं कर रही हूँ इट्स नॉट गुड, इट्स गोइंग टू हर्ट माई चाइल्ड, माई चाइल्ड मे गेट हर्ट, बट स्टिल द मदर पुट्स the eaglet into that tough situation, right? कि आप जाओ, आप experience करो, तभी आप उठोगे। अब उसमें क्या होगा, अब वो बेबी नीचे गिरता जा रहा है कि उसको अपना realize होगा feather wing, वो थोड़ा सा spread करेगा तो वो देखेगा वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, वो रुक गया नीचे जाने से, फिर वो और जोर से करेगा वो थोड़ा सा और ऊपर आएगा, फिर वो और जोर से अपने विंग्स को फ्लैप करेगा वो और ऊपर आएगा, एंड इवेंचुअली इट विल लर्न टू फ्लाई इट एंड मूव ऑन। Right? So from this story, what have you learned? मैम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैम उसको पता था कि उसके बच्चे को हर्ट होगा मैम, फिर भी उसने उसको वो करा कि वो उड़ना सीख पाए। Okay. Ma'am, when we learn something new, we have pain, but this lesson takes this lesson teach about the new thing. Did you pay attention to one thing? I said mother did it and mother did not. Mother knew it can hurt the child, but still this experience was important. So it is somewhere talking about your connection with your parents as well. क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं, हमें बहुत इरिटेशन तो होती है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें लगता है लेक्चरिंग भी कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं हम। But we need to understand they are getting more hurt than you. जब आपको डांटते भी है ना, आपको लगता है आप hurt हो रहे हो, but trust me, even I am a mother. When I also scold my child, I am getting more hurt than him. But still, we know that if we will not, the child will not understand. So this story also teaches us to have a strong relation with the adults, with our parents, with our teachers. अगर वो हमें डांट रहे हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी हमें डांट रहे हैं, नेवर टेक इट मच टू योर हार्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लर्निंग सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। मैम क्या होता है, हमारी होती है इसलिए वो हमें डांटते हैं, हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उसके बेबी को हर्ट हो सकता है, लेकिन मैम तब भी उसको ट्राई करिए ताकि वो ट्राई करना सीख जाएगा, तो मैम उसकी कोई फायदा होगा आने वाले टाइम। मैम उसने सीखने के लिए उसको जो है गिराना भी जरूरी था ताकि वो उड़ सके। मैम जैसे एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जैसे हम एक पैरेंट लाए थे फीमेल, पहले तो अभी उसका बेबी हुआ है, हम रोज उन दोनों को एक रूम में छोड़ देते हैं, वो अपने बेबी को बार बार उड़ना सिखाती है, बार बार उससे बेड पे से कहती है जंप करो, और फिर वो जंप करके थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख गए। मैम इट्स लाइक अ मदर। मैम जब हम छोटे होते हैं वो हमें चलना सिखाती है, और मैम वो मैम उन्हें फ्लाई करना सिखा रही है। डेफिनेटली, तो ऐसे ही आपको भी सब सिखाते हैं, तो आप भी यही सोच के सीखे, ठीक है मैम। हम भी चलते हुए फर्स्ट टाइम स्कूल भेजते हैं, सो मैम हमें भी और मैम उन्हें भी बहुत ही सैड फील होता है, बट मैम हमें वो कुछ बनाना चाहते हैं, सो मैम दैट वाइज फिर उन्हें हमें भेजना पड़ता है। मैम जैसे जब हम चलना सीखते हैं मैम, तब भी हम बहुत बार गिरते हैं, लेकिन फिर जब हम चलना सीख जाते हैं तो उससे हमें ही बेनिफिट होता है। Definitely. So with this, we wind up with today's session. We have what we have understood is firstly, I should be happy with what I am. However, there is no stopping if I want to become a better version of myself by improving myself. So self improvement मैं हमेशा कर सकती हूँ और किसी से कुछ सीखने में भी कोई बुराई नहीं है. सो वी कैन ऑलवेज learn to imbibe qualities from others also, which includes both humans as well as animals. Right? Now with this we end, we come to an end with this session. तुम सोच रही हो हम जैसे हम एक parent plan दो तो फिर हम इन्हें रोज 1 hour के लिए रूम में छोड़ते हैं और YouTube से देख देख के इन्हें अप्लाई करने की ट्रेनिंग देते हैं. Okay. So are they learning, Vihan? Ma'am, yes. Okay. So see, when they can learn, they can get trained. उनके English के बस यही कमी कि तेरे अंदर बुद्धि नहीं है. My goodness. Suryansh, would you please mute yourself? The entire conversation is audible to all. Desna, please unmute. Sorry, mute yourself. Alright, please ensure कि जब आपकी फैमिली आपसे बात कर रही हो आप म्यूट पर हो. प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कीजिए. ओके, बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन द क्लास एज वेल. Okay, so somebody was sharing something, I just missed it. Yeah, we were talking about that parrot, Vihan, right? So just imagine those parrots. आप उनसे बात कर रहे हो, उनको exactly तो वैसे हमारे जैसे तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारी तरह नहीं है. बट स्टिल जब आप उनको दिखा रहे हो YouTube वीडियोस, उसको देखकर वो कॉपी कर रहे हैं. सो इमेजिन हाउ फास्ट देयर ब्रेन आल्सो इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, राइट? सो दे आर आल्सो वर्किंग एंड इम्प्रूविंग. तो हमें भी ऐसे फास्ट होना चाहिए ना. गुड एग्जाम्पल ध्यान, यू हैव शेयर्ड, अमेजिंग. Okay, I'll just share with you. You have to do page number 3 and 4 of your book. Okay, we have already discussed it, so you can take it from there. And in the next class, we'll begin with the new subtopic in this theme. So, see you all. Have a wonderful day, and bye bye. Have a good day, ma'am. Have a good day, ma'am. Have a good day, ma'am. Have a nice day, ma'am.